Good morning, students. Welcome to all in our English class. So, dear students, in previous class, we discussed your activity 3 and 4. I hope you all did it in your books and notebooks. So, students, today we will discuss your activity 5 and 6. So, let's start our class. This is your activity 5. Rearrange the jumbled words to make meaningful sentence. Here are given some jumbled words. You have to combine all the word and make a meaningful sentence. Tale pila mane kon bujhilo ethi tumoro kete sara word epor sapot heki achi taku ekathi karibo hala and gote meaningful sentence re parinata karibo kari pariba na तो देखो आप कितेटा टीप्स तुमको देना यूजफुल टीप्स नंबर वन कौन देती चूज द सब्जेक्ट नेमिंग वर्ड डुईंग वर्ड फास्ट रू कौन करवा आम सब्जेक्ट ना नेमिंग वर्ड ना डुईंग वर्ड को चूज करवा देन दुईरे कौन भर्ब को चूज करवा देन ऑब्जेक्ट देन रिमेनिंग पार्ट तापर देती नेवर फॉरगेट टू काउंट द नंबर्स ऑफ द वर्ड तले कौन दे मनकर पांचटा कि छटा वार्ड दे लास्ट रे सेंटेंस कलापर केतेटा वार्ड अच्छे से गणवाक जमती ना भूल तले चलो स्टार्ट करवा देख रिप्लेज एव्री वन विटी अमेज्ड हिज ये तो एपट सेपट रहा ए पांचटा वार्ड को आम मिस गोटे सेंटेन्स परिणत करवा तो कौन हम हिज विटी रिप्लाइज अमेज्ड एव्री वन हैड मन टू गिव हिम क्लेवर ए रिप्ले बिफिटिंग हिम तपट देख द करेक्ट अमाउंट इज नंबर वेजिटेबल्स मन टू सम बट भेंडर बट वाज डिसऑनेस्ट ताले ए सब को नेकी हमको कोन सेंटेंस बनेबार अछि त देख मु तुमर बनेई दी छी ऑलरेडी एक नंबर टा कोन हला हिज विटी रिप्लाएज अमास्ड एव्री वन तार जो चतुरतार सहित रिप्लाए आसूला से समस्त को आश्चर्य करदे नंबर देख मंटू हैड गिवन हिम ए बिफिटिंग रिप्ले मंटू तांकु गोटे बिफिटिंग रिप्ले जत्ताजुक्त रिप्ले दे नो द अमाउंट इज करेक्ट मंटू कौन कही नो द अमाउंट इज करेक्ट चार नंबर देख मंटू बट सम वेजिटेबल्स मंटू किछि ए मंटू को ता मम्मा कौन कही किछि वेजिटेबल्स आनी दियो देन पांच नंबर बट द भेंडर वाज डिसऑनेस्ट किंतु सही विकालिटी डिसऑनेस्ट थिला तापर पिला मन देखो एक्टिविटी 5 टा एंती फटाफट करके स्पेलिंग देखि देखि का लिखि दबो हैला मु तो तमर लिखि दिछि वीडियो को पॉज कर कर ठीक आंसर गुडा लिखि दबो तापर देला राइट द अपोजिट टू द फॉलोइंग वर्ड एठी जो वर्ड गुडा दे छार अपोजिट लिखिबा तो पिला माने मु तुमको बारंबार पूर्व क्लास रे भी बुझैथिली एंटोनोमी एंड सिनोनोमी सिनोनोमी कहले कोन जोटा सेम मीनिंग दब आ एंटोनोमी कहले कोन जोटा अपोजिट मीनिंग दब ताले एगुडा सब कोन एगुडा होची एंटोनोमी ताले यार तुमको अपोजिट वर्ड्स बा एंटोनोमीज लिखिबार अछि स्मॉल लेस ऑनेस्ट क्लेवर इजी करेक्ट गिव एंड हैव यार एंटोनोमी लिखिबा देख यार मु ऑलरेडी तुम पई बनै दिछि प्रथम हम कौन बिग स्मॉल रो एंटोनोमी कौन बिग देन लेस लेस रो एंटोनोमी मोर डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट सॉरी ऑनेस्ट ऑनेस्ट रो एंटोनोमी डिसऑनेस्ट देन क्लेवर अछि बदे हां क्लेवर रो एंटोनोमी फूल तापर इजी इजी रो हार्ड बा डिफिकल्ट तापर करेक्ट रो इनकरेक्ट तापर गिव रो टेक तापर हाफ रो फूल बुझिपारल ताले आंसर गुड़ा कौन है देखी दिया उधरे बिग मोर डिसऑनेस्ट फूल हैड इनकरेक्ट टेक फूल बुझिल ए फूल अर्थ कौन बोका ए फूल अर्थ पूरा हैला देख तुमको आउ थे मुझे बुझे दूसरी
स्मॉल अर्थ छोटो, बिग अर्थ बड़, लेस अर्थ कम, मोर अर्थ बेसी हला, अनेस्ट अर्थ जी साधु बा भद्रलोक, डिसऑनेस्ट अर्थ असाधु बा अभद्र लोक, क्लेवर अर्थ चालाक, फूल अर्थ बोका, इजी अर्थ सहज, हार्ड अर्थ कठिन बा डिफिकल्ट भी हो पार किंतु हार्डटा छोटो बार तुम हार्ड मन रख। करेक्ट, करेक्ट अर्थ सठिक, इनकरेक्ट अर्थ भूल बा सठिक नुहे। गिव, गिव अर्थ देबा, टेक अर्थ नेबा, हाफ हाफ अर्थ अधा, फुल अर्थ पूरा। बुझिपार एंटोनोमीज कौन बा अपोजिट कौन? तो यही भाव में तुम एक्टिविटी 5 and 6 कम्प्लीट हो गला। तुम नोटबुक्स एंड बुक्स रे फटाफट कर दियो हला। तापर नंबर एक्टिविटी 7 बा लेट्स हैव ए फन विथ ग्रामर, ग्रामर पोर्सन टा मुझ तुमको नेक्स्ट मंडे रू पढ़ेबी। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। आ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करी थैंक यू, आ जो मैंने करी ना फटाफट एवे कर दियो। ओके, बाय बाय।